रायपुर में कोयले से भरी मालगाड़ी के एक डिब्बे में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। हालांकि जल्दी ही आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान मालगाड़ी के ऊपर हाईटेंशन तार लगे होने की वजह से आग बुझाने में कुछ देर के लिए दिक्कत भी आई। मालगाड़ी धनबाद से विशाखापट्टनम की ओर जा रही थी, उसी दौरान कोयले से धुआं उठता दिखा। आग लगने की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई है। डायल 112 से सूचना मिला, फायर ब्रिगेड में आया और सूचना मिलते ही हम लोग घटनास्थल आए, जिसमें मालगाड़ी जो कोयले से भरी हुई है उसमें आग लगी अंदर में और वहाँ से सुलग रहा है पूरा और ऊपर धुआं दे रहा है। और हमने कम से कम आधा घंटा हो गया आके और यहाँ पे लाइन कटिंग नहीं हुआ, हाई टेंशन वायर है इसलिए हमको थोड़ा विलम्ब हुआ। अभी लाइन कटिंग कर दिए हैं और उसको हमारे जवान लोग बुझा रहे हैं।